नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक चाइनीज़ कंपनी CRRC के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश की श्री सिटी के अंदर 350 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ में मेट्रो कोचेस का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है इसको पूरी तरह से सेटअप करने वाली है। तो सारी डिटेल बताऊँगा मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में, और एंड में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार क्यों अभी तक हमारा जो इंडिया है वो चाइनीज़ फर्म को एंट्री दे रहा है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए। क्या कुछ लॉजिक है इसके पीछे, और आगे जाकर हम लोगों को इससे क्या कुछ फायदे हो सकते हैं, और चाइना को इससे क्या फायदे हो सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर से देखिएगा। साथ ही साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और आगे जाकर भी हमारे देश के डेवलपमेंट से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। फटाफट से हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जो CRRC है ये आंध्र प्रदेश के श्री सिटी के अंदर 45.3 एकड़ की जमीन के ऊपर ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसको सेटअप करने वाली है। एक पॉजिटिव चीज जो यहाँ पर निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि हम लोगों को 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ में 500 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की वजह से मिलेगी। साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करें तो जो CRRC है वो अलग अलग मेट्रो जो हमारे सिस्टम चल रहे हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि बैंगलोर मेट्रो हो गया, चेन्नई मेट्रो हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, मुंबई मेट्रो हो गया, इनको जो मेट्रो कोचेस हैं ये प्रोड्यूस करने की या फिर सप्लाई करने की प्लानिंग जो है ये कर रही है। ऐसे में जो बैंगलोर मेट्रो है उसकी तरफ से इसको ऑलरेडी 216 मेट्रो कोचेस बनाने का जो ऑर्डर है वो मिल चुका है, जिसके अंदर 70% इक्विपमेंट जो यूज़ किए जाएंगे वो इंडियन रहेंगे या फिर लोकल रहेंगे, और 50% कॉन्टेंट जो यहाँ पर उसके अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे, यानी कि ऑल ओवर जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी उसमें से 50% जो सामान यूज़ किया जाएगा वो इंडियन रहेगा। लेकिन स्पेसिफिकली इक्विपमेंट्स के बारे में यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए स्पेसिफाई किया गया है कि 70% इक्विपमेंट्स जो है वो इंडियन कंपनी के होना चाहिए। इसी के साथ में अगर हम लोग और डिटेल में बात करें तो बताया ये जा रहा है कि CRRC का ये वाला जो प्लांट रहने वाला है ये आने वाले प्रोजेक्ट्स में 90% लोकल जो कॉन्टेंट रहता है या फिर लोकल जो सामान रहता है वो यूज़ करने वाला है। साथ ही साथ में दोस्तों, श्री सिटी के अंदर ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहा है CRRC, इन लोगों ने ये प्लानिंग करी है कि फ्यूचर में वेस्ट एशियन और साथ ही साथ में अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पर मेट्रो कोचेस एक्सपोर्ट किए जाएंगे इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से। तो एक और पॉजिटिव चीज़ हम लोगों के सामने निकल कर आती है इस चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट से कि भले ही ये चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है लेकिन आने वाले टाइम में हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो हम लोगों को एनहैंस होता हुआ दिखेगा, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो CRRC के ऑफिशियल्स हैं उनने ये कहा है कि उनने श्री सिटी को स्पेसिफिकली इसलिए पिक किया है क्योंकि यहाँ पर ये जो इंडस्ट्रियल हब बनाया गया है ये काफ़ी अच्छी तरह से प्लान किया गया है, और ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल हब है। और अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि श्री सिटी जो है यहाँ पर एल्स्टोम का जो मेट्रो कोचेस बनाने का प्लांट है ऑलरेडी मौजूद है, और अब CRRC का भी प्लांट यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी मदद से हमारे देश में बनने वाले जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी 70 से 80% की रिक्वायरमेंट जो है सिर्फ श्री सिटी के इन दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से ही फुलफिल करी जा सकेगी। तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव अपडेट हम लोगों के सामने निकल कर आती है कि जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी जो रोलिंग स्टॉक है या फिर जो मेट्रो कोचेस हैं ये मिल सकेंगे। अब दोस्तों, चाइना की अगर CRRC के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रेल ट्रांजिट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। तो एक तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है कि भाई दुनिया का जो सबसे बड़ा मेट्रो का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो हमारा एक प्लांट जो है इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश कर रही है, और चाइना के अलावा इन लोगों ने USA, UK, मलेशिया और साथ ही साथ में अर्जेंटीना में ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं वो इंस्टॉल कर रखे हैं, और इंडिया के अंदर ये पहला प्लांट जो है इंस्टॉल किया गया है। अब देखिए दोस्तों, चाइना से इन्वेस्टमेंट आ रहा है ये कहीं ना कहीं सुन के बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि इंडिया के अंदर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ रहा हो। श्री सिटी के बारे में स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो ये 15वीं कंपनी है जो श्री सिटी के इंडस्ट्रियल हब में जा रही है, तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। साथ ही साथ में अगर अभी हम लोग बात करें कि इसके क्या कुछ पॉजिटिव्स हैं, तो पॉजिटिव्स के बारे में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पहला तो 350 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के अंदर आने वाला है, 500 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है, हम लोगों की जो मेट्रो कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ेगी, आगे जाकर हम लोग उसको एक्सपोर्ट करेंगे, भले ही वो चाइनीज़ एक्सपोर्ट करेंगे या लेकिन बनेगा तो वो इंडिया के अंदर ही, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। साथ ही साथ में एक और चीज़ जो निकल कर आती है सामने वो ये निकल कर आती है कि आने वाले टाइम में जो नए नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको जल्दी से जल्दी जो मेट्रो कोचेस हैं ये मिल पाएंगे। तो पॉजिटिव चीज़ तो काफ़ी सारी निकल कर आती हैं, लेकिन एंड में जो एक ही नेगेटिव चीज़ निकल कर आती है वो ये आती है कि भाई
इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना से आ रही है, और चाइनीज़ जो है वो यार कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करके इसको मिसयूज़ कर सकते हैं। देखो दोस्तों, होता क्या है ना कि अब ये मेट्रो कोचेज़ जो है ये इंडिया के अंदर बन रहे हैं, इंडिया का भला हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट किसका हो रहा है? प्रॉफिट तो चाइना का ही हो रहा है। अब वो प्रॉफिट जा रहा है चाइना के पास में, चाइना में उस पर टैक्स लग रहा है, गवर्नमेंट के पास में वो टैक्स का पैसा जा रहा है, और इनडायरेक्टली वो सारा पैसा जा रहा है मिलिट्री के पास में, और फिर वही मिलिट्री हमारी इंडियन मिलिट्री को आप बोल सकते हैं कि परेशान करती है, और बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है ये गलत भी है, और एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सही भी है। अब इसमें आप लोगों का क्या सोचना है कि चाइना की जो ये इन्वेस्टमेंट है ये इंडिया के अंदर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, आप लोग मुझको ज़रूर से बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। क्योंकि यार मुझको स्पेसिफिकली लगता है कि यार भले ही 100 इसके सही पॉइंट हो, लेकिन अगर चाइना इस तरह से बिहेव करता है बॉर्डर के ऊपर, तो हम लोगों को चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इंडिया और चाइना के रिलेशन सही हैं, तो फिर अगर चाइना से इन्वेस्टमेंट आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों के जो भी व्यूज़ हो आप लोगों को ज़रूर से शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नए फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी अ ट्रैवलर, बी अ एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।